वेल गाइस, बहुत सारे स्मार्टफोन कंपनीज अभी वापस गेम में एंटर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बहुत सारे कंपनीज नए नए स्मार्टफोन्स लेके आ रहे हैं जो बहुत टाइम से आउट ऑफ द गेम हो चुके थे, लाइक सोनी हो गया, मोटो हो गया। तो उसी तरह अभी मोटो लेके आ रहा है एक बजट सेगमेंट में एक बहुत ही अच्छा फोन जो मोटो जी फास्ट के नाम से आने वाला है। एंड इस वीडियो में मैं आपको इस मोटो जी फास्ट के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा। अब तक जो लीक्स निकल के आए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एनीवेज गाइस, मोटो जी फास्ट का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो मोटो यूएसए के चैनल पे अपलोड हो चुका था एक दिन पहले। एंड अभी आज मैं आपको इस फोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है फोन। वे सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। एंड यहाँ पे इस फोन का डिजाइन काफी अच्छा लगता है मुझे। जो कैमरा प्लेसमेंट है, जो कैमरा का डिजाइन है, वो काफी अमेजिंग लगता है। इस फोन में आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने मिल जाएगा और एक ट्रिपल कैमरा सपोर्ट है। तो यहाँ पे जो मैक्रो लेंस है, ये इसका मेन अट्रैक्शन है, बिकॉज यहाँ पे आप 2.5 सेंटीमीटर इतना क्लोज जाके फोटो ले सकते हो। यूजुअली सारे फोन्स में जो मैक्रो लेंस होता है उसमें आप 4 सेंटीमीटर के अराउंड दूर से फोटो खींच सकते हो, बट यहाँ पे आप एक्जैक्टली 2.5 सेंटीमीटर तक अंदर जा सकते हो, मतलब बहुत ही क्लोज जाके आप लोग फोटो खींच सकते हो। यहाँ पे जो वाइड एंगल कैमरा आपको मिलता है वो भी 4 times ज्यादा है, ऐसा मार्केट किया जा रहा है। एंड जैसे कि इस ट्रेलर में दिखा रहे हैं या फिर इसका जो नाम है मोटो जी फास्ट, इसके हिसाब से हम ये डेफिनेटली समझ सकते हैं कि जिस सेगमेंट में ये आएगा वहाँ पे ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। एंड ऐसे कुछ लीक्स निकल के आ रहे हैं कि यहाँ पे शायद स्नैपड्रैगन 665 होगा, हमें प्रोसेसर देखने मिलेगा। एंड मेरे हिसाब से ये फोन जो है वो 10,000 के नीचे आएगा, तो स्नैपड्रैगन 665 काफी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस पॉइंट पे। यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग का सपोर्ट भी काफी अच्छा देखने मिल जाएगा, बिकॉज जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे जो ऐप से बहुत ज्यादा स्विच हो रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग का सपोर्ट है उस पर भी ध्यान दिया गया है। 3GB की रैम आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। आई नो बहुत लोग बोलेंगे 3GB काफी कम है, बट मेरे हिसाब से अगर ये फोन 8,000 के अराउंड आ जाता है तो 3GB रैम भी काफी बेटर हो जाएगा। तो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट बात है इस फोन का इज द बैटरी। एंड यहाँ पे 2 days लॉन्ग बैटरी लाइफ मार्केट किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे मे बी 5000 या 6000 mAh की बैटरी आपको देखने मिल जाएगी। एंड इसका डिजाइन वगैरह देख के मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 10,000 के अराउंड इसका प्राइस रेंज होगा। डेफिनेटली 10,000 के ऊपर अगर ये लॉन्च होता है तो आई डोंट थिंक ये चलेगा, बट देन अगर 8,000 अराउंड इसका प्राइस हो जाए काफी बेटर होगा ये फोन उस प्राइस पॉइंट में। दूसरी एक बात बताता हूँ, यहाँ पे आपको जो बेजल्स है वो थोड़े मोटे देखने को मिल जाते हैं, तो मतलब आपको एकदम एक्जैक्टली बेजललेस डिस्प्ले डिजाइन या फिर जो बेजललेस एक्सपीरियंस है वो तो नहीं यहाँ पे मिलेगा, बट यहाँ पे आपको फ्रंट में एक होल पंच डिस्प्ले देखने मिल जाते हैं। तो जब भी अगर कोई आप वीडियो वगैरह देख रहे हो तो उतना वो आपको इशू नहीं करेगा। तो डिजाइन वाइज मुझे काफी पसंद आया है मोटो जी फास्ट। एंड जो इसका कलर वेरियंट है शाइनी व्हाइट काइंड ऑफ यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है, वो भी काफी मुझे अच्छा लगा। तो ओवरऑल ये फोन काफी अच्छा रहेगा अगर ये 8,000 या फिर 9,000 के प्राइस रेंज में आएगा। बट देन फिलहाल इसका लॉन्च होने वाला है यूएसए में, एंड वो अभी इंडिया में कब आता है, कैसे आएगा, उसकी तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको अपडेट कर लूंगा। तो मुझे ट्विटर पे जरूर फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं ऐसे अपडेट्स डालते रहता हूँ। सो मेक श्योर यू गो ऑन ट्विटर एंड फॉलो मी, यहाँ पे मैंने आईडी दे दिया है। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम पे लाइव आया करूँ, बट देन वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। सो इफ यू वॉन्ट कि मैं ऐसे लाइव आके कुछ ऐसे 1-to-1 सेशन करूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है मुझे तो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड वील सी अबाउट द इंस्टाग्राम लाइव। एनीवेज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर दो, एंड एज ऑलवेज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, इट्स मी देश साइनिंग ऑफ, यू वॉचिंग एलिमेंटेड, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।